अरे काहे के बोलावे बाड़ू कोलिया में, ओहो काहे के बोलावे हाउ कोलिया में, अच्छा जी, सढ़ुआ इन शरम करा होलिया ओ में। हो भाई साहब, क्या ही गाना है यार, कम से कम ताली से मार दो भाई। लाइन बहुत तगड़ा है भाई, एक नंबर का ध्वज मिला लालू से। हेलो दोस्तों, राम प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसे आप लोगों ने पिछला क्लिप देखा तो देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैं एक पार्क में वीडियो शूट करने के लिए गया तो वहाँ मुझे एक सिंगर भाई दिखे जो कि मुझे लगा कि मुझे भी काम देंगे। मैं अपना वीडियो दिखाया तो बहुत खुश हुए, लेकिन जब मैं उनसे काम मांगने गया तो वो साफ साफ मना कर दिए कि मैं सबको काम वगैरह मतलब नहीं दूंगा। तो मुझे काम वगैरह तो नहीं दिए, मुझे उसका दुख नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि उनके जो आई थी शूट के लिए लड़की, मैं उनके साथ वीडियो बना लूँ, उनके हीरोइन वगैरह जो बोलते हैं, सो मैं सोचा उनके साथ वीडियो क्रिएट करूँ। बट वो मतलब मना कर दिए कि नहीं नहीं करना है और मुझे वीडियो नहीं क्रिएट करने दिए। अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मैं पैसा देता तो शायद वीडियो क्रिएट कर लेते, तो मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मुझे क्रिएट नहीं करने दिए। बट चलो छोड़ो, बस आप लोग प्लीज़ भाई को जाओ सपोर्ट करो, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा गाना गाता है। मुझे सपोर्ट करे ना करे, लेकिन भाई के अंदर कला है, भाई अच्छा गाना गाता है। सो दोस्तों मुझे अच्छा लगा कि उनका गाना सुनकर वो कम से कम मेरे वीडियो में आके दो लाइन गाए, भोजपुरी के माध्यम से गाए, बट जो कुछ भी है अपना पूरा एकदम वो जुनून से गाए हैं। तो दोस्तों मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, लोगों के साथ में वीडियो बनाता हूँ, सब मुझे धक्के मार के निकाल देते हैं। मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं खुद ही नहीं जान पाता हूँ, बस मुझे इतना पता चलता है कि लोग मुझे मतलब हेट करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों मेरे गाँव वाले, मेरे रिश्तेदार भी मुझे हेट करते हैं, पता नहीं क्यों। जब से मेरा आईडी कुछ चलने लगा है, आप लोग का प्यार मिलने लगा, तब से तो लोग मेरे जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे वो भी मुझसे दूर चले गए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो वीडियो देख रहे होंगे सबको पता है कि मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड थे, मेरे अच्छे वाले फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे, मुझसे ही दूर चले गए। इससे आगे क्या होगा। हाँ, कुछ फ्रेंड मेरे हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, वक्त आने पर लूंगा, जो मेरा साथ देते हैं, जिगर ही से देते हैं और लगातार प्रॉपर तरीके से देते हैं। आधी रात पिछला रहा, मैं कभी कॉल करती हूँ भाई 1 GB का रिचार्ज करवा दे, वीडियो अपलोड करना है तो फटाक से रिचार्ज कर देता है। बोल दूँ कि भाई यार अपना मोबाइल दे दे, वीडियो शूट करना है तो फटाक से दे देता है। उसको यार लव यू दिल से यार, वो पता है कौन है, आप लोग को भी पता होगा कि काफ़ी वीडियो से मेरे रहता भी है, बट मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत लोग रहते हैं। सो मेरा स्ट्रगल कहानी कुछ इस तरह था। वैसे आप लोग को मेरा ब्लॉग लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है कि फिर मेरा एक्टिंग लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि एक्टिंग लाइफ रिलेटेड प्रैंक वीडियो मैं दूसरे चैनल पर क्रिएट करूँ, उसे प्रॉपर तरीके से मैं पोस्ट करता जाऊँ और आप लोग का प्यार पाता जाऊँ। और अपना लाइफ स्टाइल जैसे मैं जीता हूँ, जो खाता हूँ पीता हूँ, मम्मी के साथ घूमता इधर उधर, जिससे मिलता हूँ भैया बड़े लोग से, वो मैं आप लोग को दिखा सकूँ, बता सकूँ कि एक छोटे फैमिली का लड़का कैसे बड़े लोगों से मिलता है, उसका उत्साह क्या होता है। गाइस मुझे नहीं पता कि बड़े लोगों के बीच में कैसे रहना है, क्योंकि आज तक मैं बड़े इतना बड़ा हो गया, बड़े लोगों के बीच में कभी रहा ही नहीं, लेकिन अब तो रहूँगा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, क्योंकि मुझे भी पता चले दोस्तों मेरे अंदर इतना कला जरूर है कि मैं बड़े लोग का इज्जत और सम्मान कर सकता हूँ, प्रॉपर तरीके से कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, उसमें कोई भी संदेश नहीं है। लेकिन मुझे चांस तो मिलना चाहिए। और वैसे भी मैं एक्टिंग करते करते मुझे लगभग ये 6वां 7वां साल है, मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को ये पुराना वीडियो आप लोग देख लीजिए जो कि मैं रामलीला, आज के 6 साल पहले मैं रामलीला खेलता था। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए एक बार। ये रामलीला वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उम्मीद करिएगा, क्योंकि मैं इस पर लाइन भी बोला हूं और वो लाइन कैसा है, कर लंका दहन पिता ने जब जल में पूछ बुझाया था, उस समय पसीना का धारा सागर में बहकर आया था, मछली ने किया जलपान उसे, तत्काल में रह गया गर्भ से, सहदेव से सह विचित्रक्रम, मकर ध्वज मिला लाल उसे। ये मेरा कुछ लाइन था जो कि मैं 6 साल पहले याद किया था, अब मैं थोड़ा सा हो सकता है कि अब भूल जा रहा हूँ, बट आप लोग को मेरा लाइन कैसा लगा। और मुझे हे पूज्य पिता यह बतलाओ, यह पत्रिका कहाँ से आया है, मैं इसको गा के सुनाता हूँ। हे पूज्य पिता यह बतलाओ, यह पत्रिका कहाँ से आया है। ये मेरा लाइन कुछ इस तरह से था जो कि मैं 2 साल पहले क्रिएट किया था वीडियो। ये लाइन जो कि हमारे रामायण के कुछ पेज नंबर
67 से है, सो इसे रेट करता है। सो उम्मीद करता हूँ बस यहाँ तक मेरा जर्नी था। तो प्लीज ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन कर सकते हैं। फिर चलो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो ये जो मैं मेरा वॉइस जा रहा है ये एक माइक के माध्यम से जा रहा है। ये माइक आप लोग को दिख रहा होगा, जो ये माइक अभी हम संदीप भैया से मांग के ला रहे हैं, जो टीचिंग भी करते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं बच्चों को। तो थैंक यू सो मच, लव यू दिल से आपको, क्योंकि ये माइक मुझे दे दिए बिना कुछ पूछे बिना। मैं इतना ही बोला कि भैया मुझे वीडियो बनाना है तो तुरंत दे दिए। तो ये माइक से मेरा वॉइस कैसा जा रहा है गाइस, मुझे मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं ये ब्लूटूथ वाला माइक प्रोवाइड कर सकूँ अपने लिए, बट वो मुझे दे दिए। तो थैंक यू सो मच। अब इससे मैं वीडियो क्रिएट करूँगा जब तक क्रिएट होगा, जब तक कि अच्छा से ठीक ठाक चलेगा। मुझे इसको ठीक से ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा है नहीं, बट माइक देने के लिए इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच ब्लूटूथ। और आप लोग का भी इसे सहयोग करना बनता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके अपने दोस्त फ्रेंड ग्रुप में शेयर करके बस तभी कहीं करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू।